आज की वीडियो में मैंने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज खरीदी यार, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉक्सिंग रोबोट। ये दिखने में कार जैसा लगता है, जैसे हम एक बटन दबाएंगे तो ये कन्वर्ट होकर एक बॉक्सिंग रोबोट बन जाता है और सामने वाले को मुक्का मार के ये गिरा भी सकता है। गाइस इतना ज्यादा पावरफुल रोबोट है, बहुत सारे रोबोट्स के साथ इसकी फाइट भी करा के देखने वाला हूं। जैसे कि ये एक रोबोट भी मैंने खरीदा है, यहाँ से ये डिस्क वगैरह भी फेंक सकता है। और भी बहुत सारे रोबोट्स है, ये ट्रांसफॉर्मर रोबोट है, ये शूटिंग सुपर कार है, और ये एक इंटेलिजेंट रोबोट है, और ये अपने मुंह से डिस्क फेंक सकता है। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं सच में क्या ये रोबोट बॉक्सिंग कर सकता है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स दिए गए हैं, देखते हैं इनमें से अपने को कौन सा रोबोट आज मिला। फटाफट से बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यार आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं बहुत ही कमाल की रील्स डालता रहता हूँ। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बॉक्स को मैंने ये ओपन कर लिया, यहाँ पर एक कार दी गई है। तो अच्छा, ये कन्वर्टेबल कार है, ये पूरी तरीके से ऊपर चला जाएगा, और नीचे की तरफ से यहाँ पे एक बॉक्सिंग रोबोट दिया गया है, मुक्का मार सकता है। ये देख रहे होगा बहुत ही फ्लेक्सिबल हैंड्स इसके अंदर दिए गए। यहाँ पर है एक स्पीकर, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, शायद इसकी मोटर यहाँ पे दी गई होगी। यहाँ से आप इसके हिंजेस वगैरह भी देख सकते हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा सॉलिड है और पेंट बहुत ज्यादा चमचमा रहा है। इसको मैंने सिर्फ 1000 रुपीज में खरीदा था गाइस, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके साथ बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे बॉक्सिंग बैग है, इसको हम ठहरा करके इसके साथ बॉक्सिंग भी करा सकते हैं। ये चीज भी मैच करा के देखने वाला हूँ, देखते हैं क्या ये रोबोट सच में बॉक्सिंग कर पाएगा या फिर नहीं। ये इसका रिमोट है, काफी ज्यादा एडवांस रिमोट मेरे को लग रहा है। दो जॉयस्टिक यहाँ पे ऊपर की तरफ बॉक्सिंग करने के लिए, यहाँ पे जॉयस्टिक भी दी गई है, यूजर मैनुअल यहाँ पे है। और ये रही इसकी बैटरी, देखकर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ यार, क्योंकि इस तरह की इतनी छोटी वाली बैटरी ड्रोन वगैरह के अंदर दी जाती है। ये इसका चार्जर है। ओके यार चलो अब अनबॉक्स करते हैं आयरन सोल्जर स्मार्ट रोबोट को। दिखने में भी बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है। अगर आप प्राइस देखोगे तो 4500 रुपीज है, पर मैंने इसको सिर्फ 2200 रुपीज में खरीदा था शॉपकीपर के पास से बार्गेन करके। तो अगर ये ऑनलाइन में मिलेगा तो गाइस इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बॉक्स के इस तरफ इसके रिमोट के फंक्शंस के बारे में दी गई है इन्फॉर्मेशन। बॉक्स के पीछे ये रोबोट है और यहाँ से डिस्क वगैरह फेंक रहा है। चलो फटाफट से इसको भी अनबॉक्स कर देते हैं, देखते हैं गाइस क्या ये आज हमारे बॉक्सिंग रोबोट के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। देखते हैं दोनों के बीच में फाइट करा के बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर इसके डिस्क है। डिस्क फेंकने वाले रोबोट तो मेरे पास बहुत सारे, पर ये रोबोट मेरे को उन सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंट लगा था, क्योंकि इसकी जो पर्सनालिटी है बहुत ज्यादा मस्कुलर बनाई गई है, और ऊपर से सामने की तरफ बहुत सारे सेंसर्स भी इसके अंदर दिए गए। यहाँ पे स्मार्ट बोल के दिया गया, अंदर की तरफ यहाँ पे डिस्क आ जाते हैं, तो वो जो डिस्क है हम लोगों को यहाँ से डालने पड़ते हैं। ये इसके हैंड्स है, मूवेबल मेरे को लग रहा है। पीछे की तरफ यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे थोड़े से एयर वेंट्स भी दिए गए। यहाँ पर इसकी मोटर्स दी गई है, यहाँ पे दो मोटर्स है, यहाँ पे दो मोटर्स है, तो ये मोटर्स की हेल्प से ही ये आगे पीछे मूव कर सकता है। तो अभी इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम नॉर्मल सा रिमोट है, बिल्कुल एक वॉकी टॉकी जैसा इसका डिजाइन है। ऊपर की तरफ IR सेंसर दिया गया, पीछे की तरफ दो डबल बैटरीज डालनी पड़ती है, और यहाँ पर बहुत सारे बटन है। अब ये एलियन की शक्ल वाले रोबोट को अनबॉक्स करते हैं, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ये रोबोट का भी प्राइस लगभग 1500 रुपीज के आसपास हो गया, इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप चाहे तो ये एलियन जैसे दिखने वाले रोबोट को भी खरीद सकते हो। ये जो रोबोट है ना यार, थोड़ा सा मेरे को डेंजरस लगता है, क्योंकि ये देखो यार इसका जो लुक है ना भयंकर दिया गया। यहाँ पे इसके आईज है, यहाँ पे इसका माउथ है, और ये यहीं से ही डिस्क वगैरह फेंकता है, जैसे कि स्मार्ट रोबोट के बारे में अभी मैंने बताया था। वो जो डिस्क है हम लोगों को यहाँ पे लोड करने पड़ते हैं। यहाँ से आप इसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से भी देख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी LED लाइट्स भी दी गई है। ये इसके हैंड्स है, मूवेबल है पूरी तरीके से, और इसके हाथों के अंदर देखो यार ऐसी वाली चिमटी भी दी गई है। पीछे बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, और ये रोबोट काफी ज्यादा भारी भरकम है यार। अभी इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको स्मार्ट रोबोट का रिमोट बताया था, बिल्कुल ये भी रिमोट वैसे ही है। इसका जो डिजाइन है थोड़ा सा अलग है, बाकी ऊपर की तरफ देख सकते हो IR सेंसर दिया गया। ओके यार सभी रोबोट्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब एक एक करके सबको मैं टेस्ट करके बताऊंगा, उसके बाद इनके बीच में कराएंगे फाइट, देखते हैं गाइस आज कौन सा रोबोट जीतता। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। तो यार ये रोबोट्स के अंदर मैंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करके इनके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी ऐड कर दिए, अब एक एक करके सबको टेस्ट करूंगा मैं। सबसे पहले स्मार्ट रोबोट को टेस्ट करते हैं गाइस। इसके अंदर पहले ये LED लाइट्स नहीं थी, मैंने खुद ही लगाई है। अब ये प्रॉपर तरीके से एक रोबोट लग रहा है, ये इतनी तेजी से फायर करता है कि देखो यार ये डिस्क तक नजर नहीं आ रही है। अभी मैं आपको स्लो मोशन में बताता हूँ, भाई इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कमाल की है। ये रोबोट को हम लोग हैंड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सामने की तरफ इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स दिए गए, तो ये ऐसे जेस्चर से भी कंट्रोल हो जाता है। और अब इसको रिमोट से भी चला के
दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल एक आरसी कार की तरह स्लाइड करता हुआ भी चलता है। ये फीचर्स इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा कमाल के लगे। अब ये एडवांस बॉक्सिंग रोबोट को टेस्ट करके देखते हैं। इसको देखने के बाद कोई भी नहीं बोलेगा कि गाइस इसके अंदर एक रोबोट भी छिपा हुआ है, क्योंकि देखो बिल्कुल एक नॉर्मल कार जैसी दिखाई दे रही है। अब मैंने ये बटन जैसे ही प्रेस किया, यहाँ से एक छुटकू सा रोबोट निकल के आ चुका है। इसकी स्पीड देखो यार कितनी ज्यादा है, ओ माय गॉड, ये माइक टाइसन से भी ज्यादा स्पीड से मुक्के मार सकता है। ओ भाई मेरे हाथ के ऊपर अब ये मुक्कों की बरसात करने लगा है, तो यार मेरे को ये सही चीज लग रही है। इसके सामने एक पंचिंग बैग मैंने रख दिया है, ओ माय गॉड इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि देखो यार इसने पंचिंग बैग को भी नीचे गिरा दिया। मेरे को लग रहा है गाइस आज ये रोबोट बड़े बड़े रोबोट को भी काफी सही तरीके से टक्कर देगा यार, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा दी गई है। आज बहुत मजा आएगा। अब ये एलियन की शक्ल वाले रोबोट को टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है। पहले तो ये अपना सर उधर इधर घुमाकर सारी चीजें सर्च करने लगता है। ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे डिस्क वगैरह भी डाल दिए हैं। अभी ये बटन जैसे हम प्रेस करेंगे तो इसके मुंह के अंदर से देखो ये डिस्क बाहर फेंकने लगता है, और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ ऊपर की तरफ इसका डिस्क मैकेनिज्म भी आप देख सकते हो, ये एक एक करके डिस्क को कैसे थ्रो कर रहा है। ये बटन दबाने से ये अपना हेड लेफ्ट या फिर राइट को मूव करता है। ये फीचर दूसरे रोबोट्स के अंदर नहीं दिया गया है। ये चीजें भी ये रोबोट के अंदर मेरे को काफी ज्यादा एडवांस लगी। अब ये ट्रांसफार्मर रोबोट को टेस्ट करते हैं। उससे पहले इसके वेपन्स मैं इसके हाथ में पकड़ा देता हूं। यार अब लग रहा है ना ये प्रॉपर तरीके से एक वॉरियर रोबोट। इसके हाथ में जो गन है इसके अंदर लाइट्स भी हम लोग ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। अब ये बटन मैंने जैसे ही दबाया है, ये देखो यार इसका स्पेशल वेपन निकल के आ चुका है बाहर। अब यहां से ये धड़ाधड़ तरीके से फायर करने लगेगा। वापस से हम लोग वही बटन दबाएंगे तो इसका ये जो कैनन है अंदर की तरफ चला भी जाएगा। ये फीचर इसके अंदर मेरे को भाई सच में बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। अब इसको थोड़ा चला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप हर एक डायरेक्शन में चला सकते हो, आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं पे भी है, बहुत आराम से चल जाता है। पर इसकी स्पीड मेरे को दूसरे रोबोट से थोड़ी स्लो लगती है यार, क्योंकि ये एक बहुत भारी भरकम रोबोट है और ये बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह लेफ्ट राइट करके भी चल सकता है बहुत आराम से। ओके यार अब ये एडवांस शूटिंग कार को टेस्ट करके देखते हैं। ऑन कर दिया मैंने इसको, ओ भाई बहुत ही जोरदार आवाज इसके अंदर दी गई है। यहाँ से इसकी छत अभी खुल चुकी है, देखो जब ये धड़ाधड़ तरीके से यहाँ से रॉकेट फायर करने लगेगी। इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैनन दिया गया है। तो इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की कार मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी यार, जो कि हम लोग रिमोट से चला सकते हैं। और इसके अंदर मोटर भी बहुत ज्यादा पावरफुल दी गई है। अब इन रोबोट्स के अंदर जो वेपन दिया गया है उसकी पावर को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस मैंने जमा दिए हैं। सबसे पहले स्मार्ट रोबोट को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट 2-3 डिस्क ही फायर किए थे यार, देखो इसने पूरे के पूरे ग्लासेस को नीचे गिरा के रख दिया। अब ये शूटिंग कार को टेस्ट करते हैं। यहाँ से इसकी छत खुल चुकी है और यहाँ से डार्ट को फायर कर रही है। यार इसने तो 3 डार्ट्स में ही सभी ग्लासेस को नीचे गिरा दिया है। अब ट्रांसफार्मर रोबोट को टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे इसने अभी तक 4 डार्ट्स फायर कर दिए थे यार, तब जाकर यहाँ पे सारे के सारे ग्लासेस गिर चुके हैं। अभी बॉक्सिंग रोबोट को टेस्ट करके देखते हैं। इसको मैंने एक रोबोट बना दिया है, ये मुक्कों पे मुक्के मार रहा है गाइस, पर एक भी ग्लास यहाँ पे गिर नहीं रहा था, पर आखिर में सभी के सभी ग्लासेस को इसने ढेर करके रख दिया है। ये सभी रोबोट्स की वेपन की पावर मेरे को उतनी ही लग रही है यार। अब इन रोबोट्स के बीच में आमने सामने वाली फाइट कराते हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर रोबोट, इसका अपोनेंट है बॉक्सिंग रोबोट। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। बॉक्सिंग रोबोट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, पंचेस की बरसात किए जा रहा है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर रोबोट इसको धीरे धीरे करके पीछे ढकेल रहा था। पर बॉक्सिंग रोबोट इतना ज्यादा पावरफुल है और इसके पंच भी इतने ज्यादा पावरफुल है कि यार इसने पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर रोबोट को नीचे गिरा दिया है। मेरे को तो यकीन नहीं रह गया कि इतना छुटकू सा रोबोट इतने जायंट रोबोट को भी हरा सकता है। देखते हैं ये बॉक्सिंग रोबोट स्मार्ट रोबोट के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। स्मार्ट रोबोट ने इसके ऊपर डिस्क फेंक के इसको गिराने की पूरी कोशिश की थी, पर बॉक्सिंग रोबोट बहुत ज्यादा तेज निकला है। ये इसके ऊपर मुक्कों की बरसात किए जा रहा है, पर स्मार्ट रोबोट ने इसको पूरी तरीके से पीछे ढकेल दिया है और इसके पंचेस को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर स्मार्ट रोबोट ने भाई एक पंच मार के ही बॉक्सिंग रोबोट को नीचे गिरा दिया है। सच में गाइस ये रोबोट इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ये दोनों रोबोट्स के बीच में कराते हैं फाइट। देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीता है, क्योंकि दोनों ही रोबोट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिस्क फेंक के नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, पर दोनों के ऊपर भी कोई भी असर यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे एलियन जैसे शक्ल वाली रोबोट ने स्मार्ट रोबोट को नीचे गिरा दिया यार, बहुत आसानी से स्मार्ट रोबोट को इसने हरा दिया यार। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि ये रोबोट भी इतना ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी रोबोट्स में से कौन सा रोबोट अच्छा लगा। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है आशु, देव कुमार, सहदेव, हरमान, अशफाक, रुशान, मंजीत, किरण, रवि, अनुज। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।